नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने जा रही हूँ जिस चीज का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं इसे 15 से 20 सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ और मुझे इसके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगा मुझे इसका रिव्यू आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। और जब भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, तो इसलिए मैं डेफिनेटली इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों कि जब भी विंटर्स आती है ना, तो मैं कोई और चाहे अदर ब्रांड का बॉडी लोशन या कुछ भी ऐसा कोल्ड क्रीम वगैरह लूं या ना लूं, लेकिन इस एक क्रीम को मैं जरूर परचेज करती हूं। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बताने जा रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ, चलिए देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में आज आपसे बात करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये खूबसूरत सी कंटेनर है, ब्लू और व्हाइट कलर की पैकेजिंग में है। आप देख सकते हैं मैं इसी क्रीम के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ कि इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन चीजों में इस्तेमाल होती है और कौन सी स्किन वालों को ये सूट करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है, ये व्हाइट और ब्लू कलर की पैकेजिंग में आती है। व्हाइट इसका कंटेनर है, ब्लू कलर की इसकी लीड है, आप देख सकते हैं। और फिर जो स्टिकर है वो भी ब्लू कलर का है। इस पर सभी चीजें मेंशन की हुई है, कौन कौन से इंग्रीडियंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं आप देख सकते हैं, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। और इसका जो प्राइस है ये आपको मिल जाएगी 70 to 80 रुपीज के प्राइस में इजिली मिल जाएगा ये कंटेनर आपको। ये नॉन ऑयली है, नॉन स्टिकी है, तो सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। प्रिवेंट्स एजिंग एंड रिहाइड्रेशन ऑफ स्किन, आप देख सकते हैं। तो मैं इसका एक आपको थोड़ा सा टेक्सचर दिखा देती हूँ अपने हैंड पर। इस वक्त मेरे इस हैंड पर कुछ भी नहीं लगाया मैंने, तो ये देखिए बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है, ये देखिए बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में। और ये देखिए हल्की सी एक शाइन भी देखी जाती है आपकी स्किन में, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं दोनों हाथों में फर्क, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है गाइस, और नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली है। ऐसा नहीं है कि इसे लगाने के बाद आपको चिपचिपाहट लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफी अच्छे कंटेनर में आती है, इजिली ओपन हो जाती है, इजिली बंद हो जाती है। तो प्लास्टिक कंटेनर में आती है और ये देखिए। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इजिली आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये जल्दी से ओपन हो जाएगी तो या इसका जो प्रोडक्ट है वो बाहर आने का डर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजिली बंद हो जाती है, ये देखिए। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हर एज के पर्सन लगा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप एज अ फेस प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ मेकअप रिमूवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज अ मॉइस्चराइजर तो आप इसे इस्तेमाल कर ही सकते हैं। सो गाइस अब जान लेते हैं इस आयुर कोल्ड क्रीम के फायदे क्या क्या है। इसे आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपके नेल्स के आसपास ड्राइनेस होती है या क्यूटिकल्स हो जाते हैं तो इसे आप अपने नेल्स पर भी मसाज कर सकते हैं। इससे आपके नेल्स के आसपास जो भी ड्राई स्किन होगी वो भी ठीक हो जाएगी और आपके नेल्स को मॉइस्चराइज भी करेगी और आपके क्यूटिकल्स भी ठीक हो जाएंगे। तो इसे आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस इस क्रीम को आप लगा सकते हैं अपने आईज एरिया पर। इसे आप 2 मिनट तक थोड़ा सा लेकर अपने आईज पर मसाज कीजिए इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, तो इससे आपकी जो फाइन लाइंस और रिंकल्स है उसकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी धीरे धीरे और आपकी आंखों के आसपास की स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी। और गाइस अगर आपकी फटी एड़ियां हैं तो आप इसे फटी एड़ियों पर भी लगा सकते हैं। और रात को अपने पैरों को अच्छे से वॉश करने के बाद आप इस क्रीम को अप्लाई कीजिए, उसके बाद मोजे पहनकर सो जाइए और इससे आपकी फटी एड़ियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। जो नेक्स्ट यूज है वो गाइस ये है कि आपने देखा होगा मेंस की स्किन जब भी वो शेव करते हैं विंटर्स में खासतौर से, तो उनकी स्किन ड्राई होने लगती है, तो ऐसे में वो भी अपनी स्किन पर इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं, एज अ मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर शेव लोशन की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट यूज है गाइस, आप इसे एज अ मेकअप रिमूवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास कोई मेकअप रिमूवर नहीं है या आप ले जाना भूल गई हैं, अगर आपके पर्स में एक कोल्ड क्रीम है तो आप इसकी हेल्प से भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकती हैं बहुत इजीली। और जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप अपने मेकअप को भी रिमूव कर सकती हैं। सो गाइस चलिए मैं आप बता देती हूँ किसी कौन से स्किन वाले यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तब तो आप इसे बिल्कुल यूज मत कीजिए, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, तब आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट क्रीम है। बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और ऐसी नहीं लगती है कि बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं लगती आपके फेस पर, तो ये बहुत इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। बहुत अच्छी क्रीम है, ड्राई स्किन वाले इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं समर्स में भी और विंटर्स में भी, लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप इसे समर्स में अप्लाई बिल्कुल न करें।
और जो मैं आपको सबसे बेहतरीन एक चीज बताने जा रही हूँ गाइस, उसे सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, जब मैं आपको एक बात बता दूं कि बिफोर मैंने जब मुझे फेशियल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी या जब ज्यादा फेशियल किट्स इतनी नहीं पता थी, एक टाइम था उस टाइम पर इतनी ज्यादा फेशियल किट्स के बारे में नहीं पता था, तो मैं क्या करती थी, मैं इस क्रीम से अपने फेस को मसाज करती थी। बहुत अच्छा एक ग्लो लेकर आती थी ये क्रीम मेरे फेस पर। किस तरीके से मसाज करनी है आपको इस क्रीम से, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, और वीडियो को प्लीज स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा वरना आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सो गाइस, अगर आपने कहीं जल्दी में जाना है, पार्टी फंक्शन वगैरह में जाना है, वेडिंग फंक्शन में जाना है, अगर आपके पास कोई भी फेशियल किट नहीं है तो आप इसे एज अ फेशियल क्रीम की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद आपके फेस पर पिंपल निकल आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विंटर्स में इसे फेशियल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको। तो किस तरीके से फेशियल करना है ये मैं आपको बता देती हूँ, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विंटर्स में हम कौन सा बॉडी लोशन लें या कौन सी कोल्ड क्रीम परचेज करें और जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और आपको पसंद भी आए, आपकी स्किन के लिए बेहतरीन हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब किसी और प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। आपको आंख बंद करके भी अगर आप आयुर्वेद क्रीम को इस्तेमाल करते हैं ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस, बहुत ही बेहतरीन क्रीम है, सबसे बेस्ट ऑप्शन विंटर्स के लिए मुझे यही क्रीम लगती है। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, मेरे कहने से एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। और अगर आपने पहले से इस्तेमाल की हुई है तब भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्रीम कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि इसे आप किस तरीके से फेशियल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस क्रीम को लगा लिया है अपने फेस पर इस तरीके से। तो वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा मेकअप नहीं किया है, सिर्फ मैंने विंग्ड आईलाइनर बनाया है, वो भी स्मॉल आईलाइनर बनाया हुआ है, और लिपस्टिक लगाई हुई है और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया हुआ है। तो मैं इसे अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा मेकअप रिमूव कर लिया है इसे। तो ऐसा मेकअप रिमूवर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस पर अच्छे से आयुर्वेद क्रीम को अप्लाई कर लिया है, और अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर इससे मसाज करूंगी 3 से 4 मिनट तक। तो 3 से 4 मिनट तक अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर लीजिए, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी एक ग्लो आएगी आपकी स्किन में, बहुत अच्छी चमक आएगी। आईज के आसपास जरूर कीजिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर फाइन लाइन्स और रिंकल्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ताकि स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो सके। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है अपने फेस को। आपने नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, कोई भी सोप वगैरह फेस वॉश को इस्तेमाल नहीं करना है। और सबसे पहले अपने फेस के मेकअप को जरूर रिमूव कर लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगाई हुई थी, बहुत ही इजीली इससे रिमूव हो गई है। तो जैसे भी आपको स्टेप्स आते हैं फेशियल के, आप वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप करें। तो जो भी आपको स्टेप्स आते हो, जो भी ईजी लगते हो, वो कर सकते हैं। देखिए गाइस, कितनी अच्छी चमक आई है स्किन में, कितना अच्छा एक ग्लो आ गया है फेस पर, और बहुत ही ज़्यादा स्किन सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है। तो ये देखिए, मैं अपने फेस को वॉश भी कर आ गई हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चमक आई है गाइस। मुझे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है, और ऐसा लग रहा है वाकई कि आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी रिमूव करती थी ये। तो बहुत ही अच्छे से इसने मेरी स्किन से जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ थी उसे रिमूव कर दिया है। तो ये देखिए गाइस, कितना अच्छा एक ग्लो आ गया है चेहरे पर। मुझे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है सच में, बार बार मन कर रहा है बस फेस को टच करती रहूं। तो डेफिनेटली आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस, बहुत ही अच्छी मसाज क्रीम की तरह भी ये काम करेगी, और आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो भी अच्छा करेगी, जिससे आपकी स्किन में एक बहुत अच्छी चमक आएगी गाइस। प्लीज जरूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम का रिव्यू। आशा करते हैं आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।